सो कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर में आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है एंजाइना पेक्टोरिस। एंड एंजाइना पेक्टोरिस जो है वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, साथ ही साथ ये क्लिनिकल लाइफ में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं एग्जाम में। ये 10 to 15 के मार्क्स में आता ही है, इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो 10 to 15 के मार्क्स के अंदर आते हैं इन जनरल मेडिसिन एंड इन पैथोलॉजी ऑल्सो। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस। सो एंजाइना वर्ड जो रिलेटेड है वो रिलेटेड है पेन से। एंजाइना का मतलब होता है पेन एंड पेक्टोरिस का मतलब है यहाँ पे चेस्ट। मींस सिंपल चेस्ट पेन को हम कहते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। मींस अगर चेस्ट एरिया में अगर हमें पेन डेवलप होता है तो उसे हम कहते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस खुद में तो एक कोई भी तरह का डिजीज़ नहीं है, एक तरह का डिसऑर्डर नहीं है, बट ये किसी पर्टिकुलर डिजीज़ का सिम्टम है, ये किसी पर्टिकुलर डिजीज़ का साइन है। कोई ऐसा डिजीज़ है जिसकी वजह से चेस्ट पेन होता है तो उसकी वजह से जो कंडीशन होती है वो डेवलप होती है, जिसे हम कहते हैं एंजाइना पेक्टोरिस, जो कि इटसेल्फ एक डिजीज़ नहीं है बल्कि एक पर्टिकुलर डिजीज़ का साइन है, एक पर्टिकुलर डिजीज़ का सिम्टम है। सो आई होप सो कि इसका जो इंट्रोडक्शन होगा वो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। एंड अब डिस्कस करते हैं इसके डेफिनेशन पार्ट के बारे में। सो लेट्स डिस्कस द डेफिनेशन। सो इट इज़ डिफाइंड एज चेस्ट पेन टूवर्ड्स लेफ्ट आर्म। मीन्स चेस्ट पेन होता है, चेस्ट पेन होने के साथ साथ लेफ्ट आर्म में भी पेन होता है प्लस शोल्डर में भी पेन होता है। और किस वजह से होता है? ड्यू टू लेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन और मोर डिमांड ऑफ ऑक्सीजन। मीन्स बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से, किसी पर्टिकुलर पार्ट में अगर ऑक्सीजन की कमी हो रही है या तो हार्ट में अगर प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं जा रही है या तो हार्ट जो होता है वो प्रॉपर पंप नहीं कर पा रहा है ब्लड को, तो उस कंडीशन में जो जो बीमारी होती है वो डेवलप होती है, जिसे हम कहते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। सो इट इज़ डिफाइंड एज द चेस्ट पेन टू द लेफ्ट आर्म शोल्डर ड्यू टू लेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कम सप्लाई की वजह से और ऑक्सीजन के डिमांड के बढ़ने की वजह से ये जो डिज़ीज़ होती है वो डेवलप होती है। सो ये था इसका डेफिनेशन। अब जान लेते हैं इसके टाइप्स के बारे में। सो एंजाइना जो होता है वो कई टाइप्स का होता है। तो सबसे पहला जो टाइप है वो है स्टेबल एंजाइना। स्टेबल एंजाइना में क्या होता है, ये जो कंडीशन होती है वो किसी पर्टिकुलर फिजिकल एक्टिविटी पे ट्रिगर करती है, रिलीज्ड बाय रेस्ट एंड मेडिकेशन एंड यूजुअली लास्ट फॉर 5 मिनट। मीन्स ये जो कंडीशन होती है किसी पर्टिकुलर फिजिकल एक्टिविटी पे डिपेंड करती है, ट्रिगर करती है। फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्सन एक्सरसाइज करता है तो उसे स्टेबल एंजाइना कॉज हो सकता है, बट ये जो कंडीशन है वो बहुत देर तक नहीं रहती है, ये मोस्टली 5 मिनट तक ही परसिस्ट करती है एंड 5 मिनट के बाद जो पेशेंट होता है वो नॉर्मल हो जाता है। और साथ ही साथ ये रेस्ट और मेडिकेशन से ये जो कंडीशन होती है वो ठीक हो जाती है, इसका ट्रीटमेंट हो जाता है। नेक्स्ट है अनस्टेबल एंजाइना। अनस्टेबल एंजाइना में क्या होता है, सो इन अनस्टेबल एंजाइना पेन इज़ मोर सीवियर एंड अकर्स इन रेस्टिंग कंडीशन ऑल्सो। अनस्टेबल एंजाइना में क्या होता है, जो पेन होता है पेशेंट को बहुत ही सीवियर पेन होता है, बहुत ही तेज़ पेन होता है, स्क्वीजिंग पेन होता है, उससे बर्दाश्त नहीं होता है, उतने ज़्यादा पेन होता है। एंड वो रेस्ट कंडीशन में भी होता है, अगर वो एक्सरसाइज करता है तो भी होता है, बट इवन एंड रेस्ट मीन्स अगर पेशेंट रेस्ट भी करता है तो भी उसे चेस्ट पेन देखने को मिलता है। एंड ये पेन इतना सीवियर होता है कि ये मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में भी कन्वर्ट हो सकता है। मींस इतना ज़्यादा पेन होता है पेशेंट को कि उसे हार्ट अटैक भी आ सकता है। सो ये था अनस्टेबल एंजाइना। नेक्स्ट है वेरिएंट एंजाइना। वेरिएंट एंजाइना मतलब क्या होता है, मींस अगर रात में चेस्ट पेन होता है किसी को तो उसे हम कहते हैं वेरिएंट एंजाइना। सो इन वेरिएंट एंजाइना चेस्ट पेन अकर्स एट नाइट। नेक्स्ट है साइलेंट एंजाइना। साइलेंट एंजाइना पेनलेस होता है, इसमें पेशेंट को पेन होता ही नहीं है, बट उस कंडीशन में भी उसे साइलेंट एंजाइना कॉज होता है। सो ये थे एंजाइना के टाइप्स। अब जान लेते हैं इसके एटियोलॉजी के बारे में कि एंजाइना होने के कौन कौन से कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहला है एज, ओल्डर एज में एंजाइना देखने को मिलता है। नेक्स्ट है ओबेसिटी, अगर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा ओबीज है, उसका वेट बहुत ज़्यादा है तो भी उसे एंजाइना देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हाइपरटेंशन, किसी का ब्लड प्रेशर अगर बहुत ज़्यादा है सीवियर मीन्स बहुत प्रोलॉन्ग समय से उसका जो ब्लड प्रेशर है वो ज़्यादा है तो भी उस कंडीशन में एंजाइना देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है एथेरोस्क्लेरोसिस, अगर किसी को कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है देन उस कंडीशन में भी एंजाइना देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है फैमिली हिस्ट्री, अगर किसी पर्सन के फैमिली हिस्ट्री में अगर किसी को एंजाइना ऑलरेडी हुआ रहता है या तो कोई भी हार्ट डिजीज़ होती तो उस कंडीशन में भी ये देखने को। नेक्स्ट है डायबिटीज़, अगर किसी पर्सन को डायबिटीज़ होता है तो उस कंडीशन में भी एंजाइना देखने को मिल सकता है, या तो किसी की किडनी में प्रॉब्लम है, किसी को रीनल फेल्योर कंडीशन होती है तो वहाँ पे भी उस कारणवश भी एंजाइना देखने को मिल सकता है। सो ये थे इसके कॉजेज। एंड अब जान लेते हैं इसके रिस्क फैक्टर्स के बारे में। रिस्क फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जिसके थ्रू किसी भी पर्टिकुलर डिजीज़ में वो चीज़ उसको ट्रिगर करती है, मीन्स वो चीज़ की वजह से वो जो बीमारी है वो बढ़ सकती है, उसके होने का खतरा बढ़ सकता है, उसे हम कहते हैं रिस्क फैक्टर। तो रिस्क फैक्टर है स्मोकिंग एंड अल्कोहल इनटेक, इन दोनों के वजह से भी ये कंडीशन हो सकती है। जो लोग अल्कोहल बहुत ज़्यादा कंजप्शन करते हैं उन्हें भी ये डिजीज़ होने का खतरा बहुत होता है, या तो किसी पर्सन को अगर हाई फैटी डाइट लेने की आदत है तो उसको बहुत ज़्यादा खतरा है कि बीमारी हो सकती है,
या एक्सेसिव इमोशनल स्ट्रेस। कोई कोई पर्सन होते हैं जो बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, लंबे समय तक अगर कोई पर्सन स्ट्रेस ले रहा है तो उसे भी एंजाइना पेक्टोरिस होने का खतरा हो सकता है। सो ये था इसका रिस्क फैक्टर। अब जान लेते हैं इसके साइन सिम्टम्स के बारे में कि अगर किसी को एंजाइना पेक्टोरिस हो रहा है, मीन्स चेस्ट पेन हो रहा है, तो उसके अलावा कौन कौन से साइन सिम्टम्स आ सकते हैं। तो सबसे पहला तो चेस्ट पेन ही है कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा चेस्ट पेन होगा। अब पेन किस तरह का होगा? प्रेसिंग, मीन्स ऐसा पेन होगा कि पेशेंट का कोई जो चेस्ट है उसको कोई प्रेस कर रहा है, दबा रहा है। स्क्वीजिंग, उसको कोई निचोड़ रहा है। दूसरा क्रशिंग, मीन्स वो क्रश हो रहा है, उसको कोई दबा रहा है, ऐसा पेन उसको फील होगा। मीन्स बहुत सीवियर और बहुत तेज़ दर्द होगा मरीज को। नेक्स्ट है रिफर्ड पेन। रिफर्ड पेन मीन्स पर्टिकुलर जो पेन है उसके अलावा भी बॉडी में कई जगह पेन देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल शोल्डर में भी देखने को मिलेगा, लेफ्ट आर्म में भी देखने को मिलेगा। सो रिफर्ड पेन भी होगा। हार्ट बर्न भी होगा पेशेंट को, पेशेंट को वीकनेस होगी, पेशेंट थक जाएगा कोई भी काम करके, उसकी स्किन पैलर हो जाएगी, उस पेशेंट को नॉजिया एंड वॉमिटिंग की भी कंडीशन होगी, और साथ ही साथ उसका शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी होगा, मीन्स उसको बहुत तेज़ सांस फूलेगी। सो ये सारे जो होंगे वो साइन सिम्टम्स नज़र आएंगे। अब जान लेते हैं इसके डायग्नोसिस के बारे में कि इस डिज़ीज़ को हम कैसे कन्फर्म करते हैं। तो कन्फर्मेशन के लिए हम सबसे पहले पेशेंट का हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं, उसकी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, उसका फिज़िकल एग्जामिनेशन करते हैं, लेबोरेटरी टेस्ट में उसका हम लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराते हैं, एज वेल एज रेडियोलॉजिकल में उसका ECG कराते हैं, उसका MRI कराते हैं, एनजियोग्राफी कराते हैं, प्लस CT scan कराते हैं। ये सारे जो टेस्ट होते हैं वो इसके डायग्नोस्टिक टूल्स होते हैं, जिसकी वजह से हमें ये जो डिज़ीज़ होती है उसका डायग्नोसिस क्लियर हो जाता है। तो अब जान लेते हैं इसके मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में कि कौन कौन से मेडिकेशन से जो बीमारी होती है वो अंडर कंट्रोल में हो सकती है। तो मेडिकल मैनेजमेंट में आर्टिफिशियल ऑक्सीजन सप्लाई देते हैं, क्योंकि बॉडी में ऑक्सीजन की कमी की वजह से ही चेस्ट पेन डेवलप हो रहा है। तो आर्टिफिशियल ऑक्सीजन देते हैं पेशेंट को, पेशेंट को कोरोनरी वैसोडायलेटर देते हैं, ओके, नाइट्रोग्लिसरीन देते हैं, जिसकी वजह से जो वेसल्स होते हैं जो वो डायलेट हो जाते हैं, वो कंस्ट्रिक्ट नहीं रहते हैं। नेक्स्ट वन बीटा ब्लॉकर देते हैं, एटेनोलॉल प्रोपेनोलॉल देते हैं। बीटा ब्लॉकर जो होते हैं वो बीटा रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर होता है वो कम हो जाता है, एंड ब्लड प्रेशर कम होने की वजह से चेस्ट पेन भी नहीं होता है पेशेंट को। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देते हैं, कैल्शियम जो रिसेप्टर्स होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, एंड ब्लड प्रेशर कम होने की वजह से ये जो कंडीशन होती है वो नहीं डेवलप होती है। साथ ही साथ एंटीकोगुलेंट भी देते हैं। एंटीकोगुलेंट मीन्स जो ये वो टाइप्स के मेडिसिन होते हैं जो कि जो प्लेटलेट्स होते हैं, जो बहुत ज़्यादा प्लेटलेट जो होते हैं वो अगर कोगुलेट हो जाते हैं तो उसको वो तोड़ने का काम करता है। तो एंटीकोगुलेंट में हम हेपेरिन देते हैं और एस्पिरिन देते हैं। ये सारे जो होते हैं वो मेडिकेशन दिए जाते हैं। बट अगर मेडिसिन से ये कंडीशन नहीं हो पाती है, सही नहीं हो पाती है, तो फिर हम सर्जिकल मैनेजमेंट की तरफ पेशेंट को प्रोसीड करते हैं। एंड सर्जिकल मैनेजमेंट में 3 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्जरीज होती हैं उसको हम एडवाइस करते हैं। सबसे पहला है कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग सर्जरी, नेक्स्ट है एथरेक्टमी, एंड नेक्स्ट वन है PTCA मींस परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी। सो ये जो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्जरीज होती हैं जो कि हम पेशेंट के अंदर करवाते हैं, जिससे पेशेंट को काफ़ी रिलीफ मिलता है। एंड ये था लेक्चर ऑन एंजाइना पेक्टोरिस। एंड आप लोगों को अगर इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड अगर आपको समझ में आता है सो प्लीज़ यार कमेंट कर दिया करो, कोई तो अपना फीडबैक दो, लाइक हाउ माय लेक्चर्स आर गोइंग एंड हाउ डू यू लाइक माय लेक्चर्स एंड ऑल। सो बाय एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।